पापा ने दे रहा नहीं था, मेरी मम्मी ने तो दे रहा था। तो फिर ही ना मेरी पसंद के जूते भी लिए थे। मैंने मेरी मम्मी के जूते बता दिया करती कि मम्मी मैं आवाज कॉलेज में गई थी और मैंने किसी की बताई ना थी, क्योंकि माँ एक सच्ची सही लिया अगर एक बेटी मर ले गए। हेलो जी, राम राम जी सारे ने। तो स्वागत है आपका अपने एक और नए व्लॉग में। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं बताऊंगी कि हमारी लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी, मतलब किन हालातम हुई थी, कब हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी और किसके साथ हुई थी। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते तो व्लॉग ना कर ध्यान स्टार्ट, तो वीडियो ने बिल्कुल भी स्किप ना करियो, तो बने रहियो हमारे साथ एंड तक। और जो भी नए सब्सक्राइबर आए हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाया करो। तो चलो कर दें हम लोग ने स्टार्ट। तो जब सबसे पहला हम मिले थे मतलब, तो वो था मतलब 14 जनवरी ने हम पहली बार मिले थे। हम 15 जनवरी ने हमारी बात हुई थी। 14 जनवरी ने मिले थे, 15 जनवरी ने हमारी बात हुई थी और 16 फरवरी ने हमें मिले थे। 1 मई 2013 में हम फाइनल कति मतलब एक दूसरे के हो गए थे, मतलब शादी हो गई थी। एक महीने मजदूर दिवस है जो। तो चलो करते हैं स्टार्ट कहानी, मतलब क्योंकि लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी। तो देख लो मतलब 14 जनवरी थी, सर्दियां के दिन थे, तो मतलब ऐसे तो फैमिली की रजामंदी में हुई थी हमारी लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज हुई थी। लेकिन शादी तो पहले वो मतलब देखो लव मैरिज क्या है, अगर पहले लव होना बाद में शादी होनी, तो अरेंज मैरिज है अगर शादी के बाद लव होना, ठीक है। तो लेकिन हमारे तो शादी तो पहले ही मतलब लव मैरिज भी कैसे कहा आप इसमें, बाकी वैसे तो परिवार की रजामंदी में अरेंज मैरिज ही हुई थी, क्योंकि हम ना एक दूसरे ने जाने करते। तो 14 जनवरी ने ये मैंने देखा है। अच्छा मैं जाने करते आपने मना के बरा कित सुंदरपुर कितावल। तो 14 जनवरी ने ये मैंने देखना आए थे, तो उससे भी नंबर ले गए जाने नहीं दे पहले आप। 14 जनवरी ने मिले तो उससे दिन नंबर ले गए, तो मतलब मिन्नानंद ने, मिन्नानंद भी जो करण मैरिड थी, जब उनकी शादी हुई थी, मतलब मेरे भाई की शादी थी, इनकी और इनकी बहन की, मेरी ननंद की मतलब है, जो मेरी ननंद है उनके हस्बैंड की और उनकी सिस्टर की। तो आगे उनके मतलब जो उनकी ननंद थी ना, मेरी ननंद की ननंद है, तो उसके हस्बैंड की थी। तो हमारी इतने जने की शादी थी, तो फिर है ना मतलब 14 जनवरी देखना है, तो उससे दिन नंबर ले लिया। सो मेरी ननंद ने कही हुई ना, ननंद ने कवा ना लगाया था, अपने आप खुद ही नंबर लिया था। तो इनका 15 जनवरी ने फोन आया था, इनका जुड़ना बोलो खजम माँ की कसम झूठे देश के। तो मतलब फिर 15 जनवरी ने मैं मौसी के जा रही थी, तो जब है ना आई मेरे बेरान लिए, तेरा सासरा तो फोन आ रहा है, मतलब अच्छा ही मतलब आई कल तो देखना आई थी, सतावड़ा फोन भी आ गया, मेरा हो गई घबराहट को सुती माँ चलो तो दिखा के कहेंगे। तो फिर 15 जनवरी की बात मतलब ननंद तय मेरी सासू ने बात करी थी, फिर और इन्हें बात करी थी। तो 16 तारीख इनका फोन आया था पहले, झूठ ना बोलो, मेरे भी इतनी हिम्मत को ना थी, झूठ ना बोलो मेरी कसम खा। फिर मैं बोला मुंगा तेरा जी करे जब फोन कर लिया, अगर कोई दिक्कत नहीं मेरी कसम खा जाओ झूठे, इनका फोन आया था, कसम चल कोई ना मेरा आया था बस, ठीक है चल मेरा आया था बस, इतनी मेरे में हिम्मत ना थी कि मैं खुद कर लूं फोन। तो उस टाइम तो वो भी की पैड वाले फोन आया करते, मतलब पुराने जमाने है क्या, हम नए जमाने है ना। अच्छा तो 16 फरवरी ने फिर ये मेरे कॉलेज में आए थे मिलनंदे, और ये मतलब मेरे कॉलेज में मिलन आए थे, थोड़ा हमने फोटो फाटो क्लिक करी थी। तो उसके बाद फिर हमें मार्च में मिले थे, जो करे मार्च में मतलब मेरे पेपर चल रहे थे, जब पेपर हम आ जाया करते पेपर दवाने गणों तो ये पर्ची गिरना हुए हैं, तो आ जाया करते मतलब मिलनंद साथ में आया करती, अकेले ना आए थे कदे भी। और मन मेरी मम्मी थी तो जुकर मैं बता दिया करती कि मम्मी भी आवे जुकरे मिलनंद आवे, जो कॉलेज में भी आई थी और मैंने किसी की बताई ना थी, क्योंकि तो माँ एक सच्ची सही ली हुआ अगर एक बेटी खातर, तो मैंने मेरी मम्मी थी बता रखी थी। तो मेरी मम्मी ने बोली ठीक है, तेरे पापा ने तो बताइए ना, तेरे पापा ने तो ये सब पसंद नहीं है, तो मेरे पापा ने बेरा नहीं था, मेरी मम्मी ने तो बेरा था। तो फिर ही ना मेरी पसंद के जूते भी लिए थे, भी धरे होंगे वे जूते, हाँ नो ले बोले इसकी पसंद के लूँगा, अरे ईब के मजा ली ना मेरी पसंद के दो है ना, सच्ची बात है, वाह बात है सब बदल गई। तो एक महीने तो हमारी शादी हुई थी, तो एक महीने में बहुत गर्मी थी, जब कुछ उतनी गर्मी थी जब हमारी शादी हुई थी, तो उसके बाद
बस मतलब चल रही है शादी, तो इन पहली बार कौन सा गाना गाया था? लव मैरिज चल रही है। लव मैरिज कैस को, बाकी तो घर वाला की रजामंदी अरेंज मैरिज हुई थी, क्योंकि हम ना मैं इन जाने करती ना ये मन जाने करते, तो घर वाला की रजामंदी में हुई। और लव मैरिज तो वैसे भी मैं लव मैरिज के वो तो कई लोग हैं, लव मैरिज सही है, लेकिन मैं यू सोचू दुख दर्द हो जाने, एक मिनट बैठ जाओ, कदे दुख दर्द हो जाने तो मतलब अपने माँ बाप की बताने की ना रहती कहीं, तो इसके फिर आगे आगे तो लव मैरिज ही चलेगी। तो गाइस समय हो चुका है 7:13 आजकल लोग तो जब आपने फोन पर बात कराया था, मतलब पहली बार कौन सा गाना गाया था आपको याद है? हाँ, पहली बार मैंने भाई गाइस इनके लिए गाना गाया था। कौन सा? अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अलाओ क्या था मैंने तो गाने में थोड़ी एक्टिविटी भी होनी चाहिए ना, तो सच्चाई में यही गाना गाया था इनने, तो अगर तुम मिल जाओ, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। और याद है नहीं कौन सा गाया था, आप बता दो। मैंने भी गाया था, मेरा तो याद नहीं, मैंने तो ही नहीं इनका याद है, तो इन्हें याद रखना चाहिए था ना। और ई भी ये गाना मेरा कौन सा गाना है, अगर तुम छोड़ जाओ, तो जमाना अच्छे से जी लेंगे हम, है ना? ये बात है ना, ऐसी बात नहीं। नाला था मेरी शादी हुई थी, चलो वह भी बता दूँ मैं, जब मेरा भाई मतलब रिश्ता हो गया था, तो यूँ सोचे थे घर वाले मतलब छोरी इसका भी साथ में गैल कर दें, दोनों बण भैया का इकट्ठा हो जाएगा, मतलब एक खर्चा में खर्चा लेकर जाएगा। तो मतलब मैं जब पढ़ाई करती जे बी टी कराया करती, तो मेरा फाइनल ईयर चल रहा था, तो उस टाइम उसके बाद में मेरी इंटर्नशिप हुई थी, तो वह तो मैंने आड़े आकर करी थी, और मेरे लास्ट ईयर के जो सेमेस्टर के थे जो मेरे एग्जाम थे वो भी मैंने आड़े ही दे दिए थे, तो मतलब नॉन अटेंडिंग टाइप में हो जाएगा ना, तो इस टाइप में व्यू हो गया था। और तो मैंने सारा रेगुलर ये करी थी, शादी के बाद कौन भेजा है वो भी, फिर वैसे दूर का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता, अड़ तलाड़ी में जाना रोज पॉसिबल नहीं हो उसका, क्योंकि काम भी हो जाएगा ब्याह के बाद। जाता है मेरे भाई के साथ थे मेरा रिश्ता कर दिया था, तो जाता जल्दी मेरा रिश्ता कर दिया था, मतलब जितना मेरा फ्रेंड सर्कल था तो सबसे पहला मेरा ही रिश्ता होया था। तो बस ये हालात थे, मतलब घर आया ना भाई की साथ साथ मैं भी, साथ साथ मेरा भी रोक काट दिया घर के, तो नुए मतलब अरेंज मैरिज हुई थी हमारी, लव मैरिज नहीं हुई थी, क्योंकि मारे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं लव मैरिज कर सकूँ। हम तो अपने बाबू तो बहुत मतलब मेरा पापा जो उस तो बहुत डराया करते हम, ये तो लव मैरिज तो करनी मारे तो सपने में भी नहीं सोच सकते हम, रहे नहीं दो। तो चलो ही नवार हुआ है, तो आज कब लोग कर दिया हाड़ दी एंड, तो किसी लगी हमारी अरेंज मैरिज, तो लव मैरिज कैसी लगी दोस्तों बताओ? लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज किसी लगी, तो फिर मिलेंगे आपने एक और नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय एंड टेक केयर, तो पूरा सपोर्ट करते रहिए बस।